माइंड से बिल्कुल टेंशन फ्री हो गया कि हमारी रिवीजन कैसे होनी है। तो सबसे पहले मैं ही अनाउंस कर देता हूँ, तो मैं एक डेट अनाउंस कर रहा हूँ, लिख लो सारे बच्चे, 9th of March, मतलब 9th March को मेरी अमेंडमेंट क्लास आना स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहले अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे, सारी मैं अमेंडमेंट्स कंप्लीट करवा दूंगा। रीज़न क्योंकि GST में काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स आई हैं इस बार, GST में थोड़ी बहुत ही अमेंडमेंट्स नहीं हैं, कई अमेंडमेंट्स हैं, इनकम टैक्स के अंदर भी थोड़े बहुत चेंजेस हैं, तो पहले हम करेंगे अमेंडमेंट्स। फिर अमेंडमेंट्स कंप्लीट होते ही मेरे स्टूडेंट दरबार आ जाएंगे, और मैं सारे बच्चों को क्लियर कर दूं, स्टूडेंट दरबार डायरेक्टली मत देखना, पहले अमेंडमेंट देखना, क्योंकि रीज़न क्योंकि अमेंडमेंट डिटेल में करनी पड़ेंगी, उसके बिना आपको स्टूडेंट दरबार समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली स्टूडेंट दरबार देख लेंगे, क्योंकि वो अपडेटेड तो होंगे, उसके अंदर मैं अमेंडमेंट्स कराऊंगा, आंसर इज नो। तो 9th March आप नोट कर लो, 9th March से मेरी अमेंडमेंट क्लास आएंगी, और आई थिंक अरुण सर हैं, GD सर हैं, करण सर हैं, अंकुश सर हैं, शिवानी मैम हैं, सब 9th March से लगा लो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। मतलब 9th March को मेरी अमेंडमेंट क्लास आएगी, पूरा कंप्लीट शेड्यूल जो होगा ना हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। अब सुनो ध्यान से, चाहे वो कंपनी लॉ की रिवीजन हो, चाहे वो कंपनी लॉ के आपके टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो कंपनी लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस हो, चाहे वो GIGL की रिवीजन हो, चाहे आपको लिखने में दिक्कत आ रही हो, चाहे CMA FM के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व ना हो रहे आपसे, उसके थ्योरी में दिक्कत आ रही हो, मतलब कंप्लीट फुल पैकेज ये लगा लो 9 मार्च से लेके ना जब तक आपके एग्जाम नहीं होंगे, अब ये YouTube भरा रहेगा। बस वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको खुद भी आना है और उन सब दोस्तों को लेके आना है जिनको लगता है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते और उनको कुछ करना है बट किसी वजह से उनका रह गया ना, तो उन सबको यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। और इतनी कमिटमेंट है मेरी और अरुण सर की और हमारी पूरी टीम की कि जो क्वालिटी रिवीजन क्लास के अंदर भी आपको मिल जाएगी, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत सारे टीचर्स आपको रेगुलर बैच के अंदर नहीं दे पाएंगे, मतलब जो हम पूरी जान लगा देंगे, आप फील करोगे कि वाकई आप ये कहोगे सर क्या ये रिवीजन क्लास है, मतलब आप रिवीजन क्लास में अगर ये करा रहे हो तो अपने रेगुलर बैच में क्या तोड़ा होगा,